प्रथम भगति संतनिकर्षंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतनिकर्षंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों की संगति करना यह भक्ति है, लेकिन इस धुंधुकारी ने कभी महापुरुषों का संग नहीं किया। महात्माओं की झोंपड़ियां तो जलाई इसने, महात्माओं में पत्थर तो इसने फेंक करके मारे, लेकिन उनका कभी आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। पुरुष के अंदर जितने दुर्गुण हैं वो सबके सब धुंधुकारी के अंदर। कभी स्नान नहीं करता, स्नान शौच क्रियाहीनो अपवित्र रहता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पवित्र रहिए। पवित्र कैसे हो गए? तन को पवित्र कीजिए, मन को पवित्र कीजिए और अपने धन को भी पवित्र कीजिए। जो धन पवित्र नहीं है, ऐसे धन की रोटियां विष्टा का रूप धारण कर लेती हैं, ऐसा हमारे उपनिषदों में लिखा है। इसलिए धन पवित्र हो, कैसे होगा? मन होगा पवित्र भगवान का सुमिरन करने से, तन पवित्र होगा सेवा करने से, और धन पवित्र होगा जरूरतमंद जगह पर उसकी अच्छी जगह से उपयोगिता दान पुण्य करने से। बेटी 30 दिन में 35 बार आवे उसको खाली हाथ मन जाने दीजिए। बेटी को दक्षिणा देते हो बहुत बड़ा पुण्य है, जामाता को देते हो उससे भी ज्यादा पुण्य है, ननद को देते हो बहुत बड़ा पुण्य है, भानजे को देते हो बहुत बड़ा पुण्य है, भांजी को देते हो बहुत बड़ा पुण्य है, भांजी बहू को देते हो बहुत बड़ा, ये सब पुण्य में है। ये सब चीजें यह जरूर कीजिएगा, लेकिन धुंधुकारी तो अपवित्र है। उसका तन शुद्ध नहीं, उसका धन शुद्ध नहीं और उसका मन शुद्ध नहीं। हमारे संतों ने क्या कहा? तन पवित्र सेवा किए। मेरी माता और मेरे भाइयों, शरीर की शुद्धि सेवा करने से। अगल बगल में आसपास कहीं गौशालाएं हैं, जाओ गोबर उठाओ अपने हाथों से, हाथ की रेखा बदल जाएगी। आसपास कहीं कोई मंदिर है, जाले झूले लटक रहे हैं, अपने पैसे से मंदिर की पुताई करवा दो। माता अहिल्याबाई इंदौर की ये जितने भी बड़े बड़े मंदिर वो सब उसने जीर्णोद्धार कराया। कोई समझदार भाई लोग इन बच्चों को देखो थोड़ा, ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से दिया है, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा, वहां किवाड़ लगवा दो, वहां कुतरे वहां चक्कर लगा रहे हैं, महादेव की पिंडी को चाट रहे हैं, और वो गली में है मोहल्ले में है। हम काय के हिंदू हैं, काय के सनातनी हैं? जो हमारा ध्यान इधर न हो, इन मंदिरों ने हमारे धर्म को सुरक्षित करके रखा, नहीं तो बेधर्मी लोग सब चाट गए होते। इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी आई तो भी आज हमारा धर्म जिंदा है, उसमें मंदिरों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमें हमारे धर्म को याद दिलाने के लिए। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है क्या? मंदिरों में आजकल बिजली वाले ड्राम आ गए हैं बजाने के लिए, गली मोहल्ले में मंदिर और गली मोहल्ले वालों को टाइम नहीं मिलता वहां जाने के लिए, पुजारी से बोलचाल बंद। ऐसा क्यों है? चलो नहीं है तो भगवान से तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये शरीर की शुद्धि के लिए तो यह है कि तन से सेवा होनी चाहिए। घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, जरूरतमंदों की सेवा कीजिएगा, कीजिए। बूढ़ी डोकरी 80 साल की है, बेचारी को खुद कपड़े धोने पड़ते हैं, तो उसने अपने लल्लू का विवाह क्यों किया था? फिर बोलो क्यों बेटे का विवाह किया? बातें तो छुरी जैसी लग रही होंगी, लेकिन कभी फोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो छुरी काम में आती है, उसके ऑपरेशन में उसकी जरूरत पड़ती है। उसकी बात यहां से कुछ ऐसी कही नहीं जा रही है जो बुरी लगे। हाँ, समाज को सेवा की आवश्यकता है, और जो सेवा में नहीं जुड़े हैं उनको धुंधुकारी की पंक्ति में खड़ा कर दिया।
धुंधुकारी बिसैले लोगों का संग करता है, हत्यारे लोगों का साथ करता है। धुंधुकारी सब हस्ते न भोजनम, सब मुर्दे को कहते हैं। उन लोगों का संग करता है जो अपने आप में मुर्दे हैं।